हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो थालपोश लाए हैं उसके लिए हम ये दो कलर की ऊल यूज़ करने वाले हैं और क्रोशेट नीडल यूज़ करने वाले हैं 4 mm की। आप अपने मन से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और क्रोशेट नीडल किसी भी साइज़ की ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें एक पहला फंदा या फाउंडेशन स्टिच बनाएंगे। ये बना लिया। इसके बाद हम 6 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब 6 चेन बन जाएगी उसके बाद जो फर्स्ट चेन है हमारी उसमें जाकर एक स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पर, स्लिप स्टिच का मतलब एक फंदा ये हमारे पास था, एक हमने यहाँ से लेते हुए दोनों को इकट्ठे यहाँ पे इस तरह से निकाल दिया जिससे कि एक ये छल्ला बन जाएगा। फिर हम एक यहाँ पे फंदा बनाएंगे और इस फंदे को बड़ा करके, ये देखिए हमने थोड़ा फंदा बड़ा कर दिया है, एक बल लिया और फिर यहाँ गोले के अंदर में से इस तरह से 3 फंदे हो गए। फिर एक बार बल लिया, फिर गोले के अंदर से ऐसे, फिर एक बार बल गोले के अंदर से ऐसे, इस तरह से 3 हमारे पास टोटल ट्रिपल क्रोशेट वाले फंदे हो गए। तीनों को हमने इस तरह से इकट्ठा उतार के एक बार ऐसे बिन लिया। फिर 2 चेन बनाई, 2 चेन बन गई। फिर वही किया, यहाँ पर हमने एक फंदा ये था, एक बल लिया और इस तरह से, फिर वही इस तरह, और फिर सबको इकट्ठे उतार दिया, 2 चेन बनाई, 2 बन गए। इसी तरह से हमें 9 बनाने हैं, 2, 3, तीनों फंदे हो गए। फिर उतारा, फिर 2 बार चेन बनाई, 1, 2, 3, तीनों को उतारा, 2 चेन बनाई, 1, 2, 3, 4, 4 बन गए हैं। अब हमको 5 और बनाने हैं। आप अपने मन की कोई भी ऊन जब लेंगे तो उसके हिसाब से क्रोशेट नीडल भी अपने नंबर, जैसे हमने आपको बताया कि हमने 4 नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर ऊन आपकी मतलब पतली या मोटी है तो आप उस हिसाब से क्रोशेट नीडल का नंबर चेंज कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। ये देखिए इस तरह से 1, 2 चेन बना ली। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तीन और ऐसे ही सेम टू सेम बनाना है। ये 9 पत्तियाँ बना ली हैं हमने। उसके बाद हमने 2 चेन यहाँ लास्ट में बनाई है। फिर ये यहाँ पर ये जो ये है इसके बीच में ये जो स्पेस है इसमें जाकर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक फंदा ये हमारे पास है, एक फंदा यहाँ से ग्रैब किया, 2 फंदे हो गए, दोनों को एक साथ ऐसे उतारा, ये हो गया सिंगल क्रोशेट। अब हम हर लूप, जैसे 2 पत्तियों के बीच का जो लूप है, देखिए ये हर लूप में 2-2 बार अपना, जैसे बना रहे थे फंदे को लंबा किया, एक बल लिया और ये 1 हो गया, 2, 3 और तीनों को इकट्ठे उतारा और फिर 2 चेन बनाई। फिर यही किया, 2, 3 तीनों को इकट्ठे उतारा, 2 चेन बनाई। फिर अगले लूप में गए, अगली पत्ती के बीच में जो यहाँ पे लूप सा बनता है, इसी तरह लगातार देखिए 1, 2 चेन बनाई हमने। इस तरह आप देख रहे होंगे कि ये जो 9 नीचे की पत्तियां थी उनके बीच में इस तरह से 2-2 पत्ती हर के बीच में डाल रहे हैं, यानी अब 18 हो जाएंगे टोटल हमारे पास पत्तियों की संख्या। 2, 3, 1, 2 चेन, फिर 1, 2 और ये 3, तीनों को इकट्ठे उतारा और 2 चेन बना ली। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे
हमें इस सेकेंड रो में इसी तरह से हर लूप के बीच में दो दो ये क्लस्टर बनाते जाना है। इसे क्लस्टर स्टिच कहते हैं क्योंकि हम डबल क्रोशेट के तीन डबल क्रोशेट इकट्ठे उतारते हैं, इसे क्लस्टर स्टिच कहते हुए पूरे यहाँ पर 18 बना लेने हैं इस रो में। ये सेकेंड रो भी हमने 18 क्लस्टर के साथ कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हम इस वाली रो में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये हो गया। अब हमें इसके बाद इस रो के बाद हमें अपने कलर को स्विच करना है, तो हम यहाँ से ऐसे निकाल देंगे अपनी इस धागे को और फिर इसे यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से हमने धागे को कट कर दिया और कट करके इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। अब हम कलर को दूसरे कलर को यूज़ करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही कलर से बनाएं तो आप एक ही कलर से बना सकते हैं। यहाँ पे हम दो कलर से बना रहे हैं। हमने यहाँ पे फाउंडेशन स्टिच बनाई येलो कलर की, ये उसके बाद इसे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाकर ऐसे अटैच किया और इस तरह से एक फंदा लिया और दोनों को इकट्ठे उतार दिया, सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर एक स्टिच बनाई, फंदे को लंबा किया और यहाँ पर भी तीन डबल क्रोशेट का क्लस्टर बना लिया, उतार दिया, दो चेन बनाई, फिर एक इसी होल में सेम होल में एक और क्लस्टर तैयार किया। हमारे पास पीछे मतलब पिछली रो में टोटल 18 थे ये क्लस्टर्स। अब हम क्या करेंगे, उसका जस्ट डबल कर देंगे। हमने यहाँ पर एक इस वाले लूप में बनाया दो क्लस्टर, फिर जस्ट अगले लूप में भी हम दो क्लस्टर बना लेंगे। ये एक क्लस्टर हो गया, दो चेन, फिर एक क्लस्टर, दो चेन, फिर नेक्स्ट लूप जो है उसमें दो पेयर मतलब एक पेयर ऑफ क्लस्टर्स बनाएंगे, वन पेयर ऑफ क्लस्टर, एक दो चेन, फिर दो चेन, फिर नेक्स्ट लूप में दो चेन, इस तरह आप देख पा रहे होंगे जितने भी हमारे पास नीचे साइड में पिछली रो में लूप्स हैं सब में हम इस तरह से दो दो क्लस्टर की पूरी रो बना देंगे और हर क्लस्टर के बीच में और दो दो चेन का फासला होगा। इस तरह पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरी रो भी कंप्लीट हो गई, हर हमने लूप में टू टू क्लस्टर्स बना लिए हैं। अब हमने दो चेन बना ली, दो चेन बना के फिर यहाँ पर जो लूप है इसमें जाके सिंगल क्रोशेट से जोड़ दिया, फिर एक चेन बना ली और फंदे को बड़ा करके यहाँ पर फिर से एक क्लस्टर बनाया, ये इस वाले क्लस्टर के बीच में दो क्लस्टर और आ गए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे दो चेन, दो चेन बना ली। यहाँ पर ये जो ये वाला लूप है दो वी आकार के क्लस्टर्स के बीच का लूप, इस लूप को इस बार हम छोड़ देंगे और अगले क्लस्टर के ग्रुप में चले जाएंगे। यानी हमने यहाँ पर बनाए दो क्लस्टर, फिर एक लूप छोड़ा, फिर हमने यहाँ पर दो क्लस्टर्स का सेट बना लिया, फिर दो चेन बनाई,
ये दो क्लस्टर का सेट बन गया, दो चेन बन गई। फिर एक लूप ये वाला छोड़ दिया, अगले लूप में गए और जाकर यहाँ पे दो क्लस्टर्स बना लिए। ये दो चेन फिर बन गई। इस तरह आप देखेंगे इस रो में हमने यहाँ एक एक ये छोड़ते हुए अपने टोटल हमारे पास इस रो तक 18 क्लस्टर्स थे, फिर 36 क्लस्टर हो गए। इस रो में भी 36 क्लस्टर ही रहेंगे, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट की जाएगी। ये रो भी इस तरह से हमने कंप्लीट कर दी है। लास्ट में हमने सिंगल क्रोशेट से जोड़ दिया है। इसके बाद अगली रो पे आते हैं, फिर से एक चेन बनाएंगे, थोड़ा सा फंदा बड़ा करेंगे और यहाँ पर एक क्लस्टर तैयार करेंगे। क्लस्टर हर बार सेम ही ढंग से हम बना रहे हैं, इस तरह से दो चेन लेंगे, फिर सेम होल में एक क्लस्टर थ्री डबल क्रोशेट का बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे। इस रो में भी हर क्लस्टर के बीच में दो का ही चेन बनाना है, इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ भी ये वाला जो हमारा लूप था इसको ऐसे ही छोड़ दिया है और सिर्फ जो वी आकार का हमारा बना हुआ है उसी में ही हम बना रहे हैं क्लस्टर। सेम वही ढंग है। वैसे ही दो तीन, फिर दो चेन, फिर एक दो तीन, फिर दो चेन, फिर नेक्स्ट वाला वी का जो शेप है उसमें एक दो तीन, फिर दो चेन। इस रो में भी पूरा हमें ऐसे ही करना है। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे ये इतना बड़ा ये बीच का पोर्शन बनाना है, उसके बाद फ्लावरी स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ दो दो के बाद ये बनाते जा रहे हैं, इसके बाद हम थ्री रोज फिर से ऐसे ही बनाएंगे कि ऐसे क्लस्टर का सेट बनाएंगे और फिर दो चेन बनाएंगे, फिर यहाँ जो क्लस्टर के बीच में होल है सेम यही ढंग से जैसे ये वाली रो हमने बनाई है, सेम इसी ढंग से हम अभी थ्री रोज और बनाएंगे सेम टू सेम। अगर हमें लगता है कि यहाँ पर हमारा ये कम आ रहा है, जब थ्री रो बन जाएगी जो थर्ड रो आएगी उसमें यहाँ दो के बजाय हम तीन चेन कर लेंगे, यानी जो हमारी दो रो होंगी वो तो ऐसे ही बनेंगी और जो थर्ड रो होगी उसमें हम तीन चेन, इस जगह पर तीन चेन बनाएंगे, दो क्लस्टर्स के बीच हम सिर्फ दो ही चेन बनाएंगे। हमने यहाँ पे फोर लाइंस कंप्लीट कर ली हैं, 1 2 3 4। फिफ्थ लाइन में अभी तक हम सिर्फ बीच बीच में ये टू टू चेन्स बना रहे थे, अब हम इस लाइन से क्या करेंगे, बीच में थ्री चेन्स बनाएंगे। मींस इस रो में हम सबसे पहले अपना एक क्लस्टर तैयार करेंगे, यहाँ पर वी वाला जो स्ट्रक्चर है इसके बीच में हम दो ही चेन बनाएंगे, मतलब यहाँ हमने चेंजेस नहीं करने हैं। ये देखिए यहाँ पे दो ही चेन बनाई, बट अब यहाँ वाली जो दो वी वाले स्ट्रक्चर के बीच की जो हिस्सा है इसमें हम एक दो तीन चेन बनाएंगे। अभी तक टू चेन ही बना रहे थे, यहाँ पे अब हम थ्री चेन बना रहे हैं। ये फिफ्थ रो है हमारी, तीन चेन। इसी तरह पूरे रो में हमें
तीन तीन चेन बनाते हुए ये क्लस्टर्स बनाने हैं। सिक्स रो में जैसे यहाँ पे थ्री थ्री चेन थी उसमें फोर हो जाएगी, और सेवन्थ रो में फाइव चेन हो जाएगी। सात रो हम टोटल इस तरह से लगातार बनाते जाएंगे। हमने फिफ्थ रो में थ्री चेन किया, सिक्स में फोर कर लेंगे। सिर्फ इस स्ट्रक्चर में क्लस्टर के बीच की जो चेन है वो तो टू ही रहेंगी, सेवन्थ रो तक हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम कलर चेंज करेंगे। हमने येलो कलर से ये सेवन रो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने डिज़ाइन को। हमने यहाँ पर ये फाइव चेन के बाद जोड़ दिया है, फिर हमने फंदा बड़ा करके इस तरह से क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। ये दो का हमने चेन बनाया। अब जैसे यहाँ पर अभी हम दो क्लस्टर्स बना रहे थे, हम इस जगह पे अब तीन क्लस्टर एक ही होल में बनाएंगे। फिर दो का हमने चेन बनाया, फिर तीसरा क्लस्टर भी इसी होल में ही बना रहे हैं। ये हो गया, यहाँ पर ये तीन क्लस्टर्स इसके साथ बन गए। इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे चार चेन। ये हमने चार चेन बना दी। ये इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हम दो ही क्लस्टर बनाएंगे जैसे नॉर्मल नीचे हम लोग बना रहे थे। इस तरह से दो क्लस्टर्स हो गए। फिर हम लोग चार चेन बनाएंगे, चार चेन हो गई। फिर हम यहाँ पे इस वाले होल में तीन क्लस्टर्स बनाएंगे। इसी तरह से इस रो में अल्टरनेशन में थ्री एंड टू क्लस्टर्स के साथ जाएंगे। यहाँ पे क्लस्टर्स के बीच में दो ही चेन बनाएंगे, और दो क्लस्टर ग्रुप के बीच में यहाँ पे फोर फोर चेन बनाते जाएंगे। पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने अल्टरनेट थ्री क्लस्टर और टू क्लस्टर, थ्री क्लस्टर टू क्लस्टर, इस तरह की रो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमने यहाँ पे अटैच करके अगली रो शुरू करने जा रहे हैं। अगली रो शुरू करने के लिए हम यहाँ जो ये थ्री क्लस्टर्स वाला हिस्सा है इसमें हर होल में, जैसे एक ये होल है एक ये होल, दोनों होल में दो दो क्लस्टर्स बनाएंगे। ये देखिए, ये हो गया पहला क्लस्टर, फिर दो चेन बनाई, फिर ये इसी होल में सेम दूसरा क्लस्टर। फिर दो चेन बनाई, और फिर ये जो अगला गैप है दो क्लस्टर्स के बीच, इसमें अब दो क्लस्टर बनाने हैं। फिर दो चेन, फिर दो क्लस्टर्स। टोटल अब पहले थ्री क्लस्टर्स हुए थे, फिर अब यहाँ फोर क्लस्टर हो गए। फिर फोर चेन, वन टू थ्री फोर चेन, और ये जो दो क्लस्टर वाला ग्रुप था इसके ऊपर दोबारा ही हम दो ही क्लस्टर बनाएंगे। दो चेन, फिर दूसरा क्लस्टर। इस रो में पूरे में यही करना है, अल्टरनेट फोर क्लस्टर एंड टू क्लस्टर। फिर आ गए अगले होल में, ये थ्री क्लस्टर वाले में, इसमें भी हम बनाएंगे टोटल फोर क्लस्टर्स। पूरी रो ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपने देखा अल्टरनेशन में यहां पर भी वैसे ही चल रहा है, पूरी रो हमें ऐसे ही बनानी है। अब यहाँ अल्टरनेट फोर और टू क्लस्टर्स बनाने के बाद नेक्स्ट रो में जाना है हमें। हमने यहाँ फोर चेन बना ली है।
जैसे हर बार अटैच करते हैं सिंगल क्रोशेट की मदद से, वैसे हमने अटैच किया, एक चेन बनाई। और फिर फर्दर हम यहाँ पे दो क्लस्टर बनाएंगे, दो चेन, क्लस्टर्स के बीच में हमेशा दो चेन है। दो चेन, फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे ही, दो चेन, एक, दो, तीन चेन। अभी तक हम फोर चेन्स बना रहे थे, अब यहाँ पे हमने थ्री चेन्स बनाई। और फिर यहाँ पे टू क्लस्टर्स बनाए, फिर टू चेन, फोर चेन बनानी है हमें यहाँ पे। अगले में गए, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करना है हमें पूरे रिंग को। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अब सिक्स क्लस्टर्स हो गए हैं, और उसके बाद टू क्लस्टर, फिर सिक्स क्लस्टर। इसी तरह पूरे सर्किल में हमें कंप्लीट करना है। इस जगह पे हमने तीन तीन चेने बना ली हैं, और यहाँ पे जैसे दो दो चेने थी वैसे ही ये रो भी इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट में हमने तीन चेन बनाई हैं, और तीन चेन बनाने के बाद इसे पहले क्लस्टर के पास में से जोड़ देंगे, जिससे कि ये रो पूरी हो जाए। जब ये रो पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ पे फर्दर एक चेन बना के, ये देखिए, हम यहाँ से अपने धागे को कट कर देंगे। हम यहाँ से अब दूसरा कलर यूज़ करने वाले हैं, ये हो गया। फिर दूसरा कलर जो हमने यहाँ बीच में यूज़ किया है, ये ही हम यूज़ करेंगे, ऑरेंज कलर। हमने सबसे पहले इसका एक फंदा बना लेना है। फंदा बनाने के बाद इसे, और ये जो ये धागा यहाँ ये दिख रहा है, इसको हम ऐसे करके थोड़ा सा दबा के इसके पैरेलल कर लेंगे, जिससे कि ये बाद में छुप जाए। ये हो गया, एक सिंगल क्रोशेट यहाँ पे बना देंगे। ये हो गया सिंगल क्रोशेट। फिर हम यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर दो चेन, फिर क्लस्टर, थ्री ही डबल क्रोशेट्स का बनेगा, फिर दो चेन। अब यहाँ जितने भी होल्स हैं सब पे हम दो दो का क्लस्टर तैयार कर रहे हैं। दो चेन, फिर अगला क्लस्टर, फिर दो चेन, फिर नेक्स्ट क्लस्टर, दो चेन,
क्लस्टर, दो चेन, इस तरह से यहाँ पर ये हिस्सा पूरा होने वाला है। हमने सभी होल्स के बीच में क्लस्टर्स बना लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे जितने भी होल्स थे, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह हमने दो दो क्लस्टर्स तैयार कर लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे फर्दर दो चेन बनाई है। दो चेन बनाने के बाद ये जो दो क्लस्टर का ग्रुप है, इसमें हम एक सिर्फ एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, इस तरह से। हमने यहाँ पे अब क्लस्टर नहीं बनाया, सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर एक चेन बनाई, सॉरी दो चेन बनाई, और फिर अगले में पहुँच गए। अगले ये जो ग्रुप है क्लस्टर्स का, इस ग्रुप में जाके फिर दो चेन, इस तरह आप देख पा रहे होंगे। अगला जो लाइन है उसमें हमें यहाँ पे हर होल में क्लस्टर बनाने हैं दो दो, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे ऑरेंज रंग के साथ। इस तरह ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। फिर हम लास्ट में, हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाया है, फिर दो चेन बनाई हैं, इसको हम अटैच कर देंगे अपने यहाँ पर रो को कंप्लीट करने के लिए। जैसे सिंगल क्रोशेट से हमेशा जोड़ रहे थे, वैसे ही यहाँ भी जोड़ दिया, एक चेन बनाई। अब हम यहाँ पे लास्ट लाइन बनाने वाले हैं। लास्ट लाइन के लिए बहुत ही आसानी से करेंगे, देखिएगा। हम यहाँ पे एक, इस जगह पे एक सिंगल क्लस्टर तैयार करेंगे। ये हो गया एक क्लस्टर, ये। फिर हम बनाएंगे एक, दो, तीन चेन, और तीन चेन के बाद बैक में जाकर यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बना लेंगे, ये। फिर एक चेन बनाकर अगला क्लस्टर बनाएंगे अगले रो में, सॉरी अगले होल में, ये हुआ। फिर हम एक, दो, तीन चेन बनाई, ये जो यहाँ है बैक में जाकर हमने यूं करके एक सिंगल क्रोशेट बना दिया, जिससे कि यहाँ पे एक लूप बन गया है। फिर हम एक चेन बनाएंगे और अगला क्लस्टर यहाँ बनाएंगे, एक, दो, तीन चेन, बैक में गए यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशेट, ये देखिए यहाँ पर ऐसे लूप से जैसे बनते जाएंगे। जब इधर से भी ये हो जाएगा तो ये लूप भी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर एक चेन बना दी हमने, नेक्स्ट होल में जाके एक बनाया क्लस्टर, फिर एक, दो, तीन चेन इधर, यहाँ जाके एक सिंगल क्रोशेट बनाया, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हमारे ये थोड़ा थोड़ा सा बनता जाएगा, देखिए। फिर से देखिए यहाँ पे हमने तीन चेन बनाई, बैक में जाके ये जगह पे इसे इंसर्ट करके ऐसे एक सिंगल क्रोशेट बना दिया, फिर एक चेन बनाई, नेक्स्ट होल में जाके एक क्लस्टर बनाया, फिर एक, दो, तीन चेन, बैक में गए,
एक लूप बनाया सिंगल क्रोशेट की मदद से, फिर एक चेन, फिर अगले होल में। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये एंडिंग में कैसे ये छोटे छोटे से बनते जा रहे हैं। पूरा हम यहाँ तक ऐसे ही करेंगे, फिर हम यहाँ क्या करना है हम अभी दिखाते हैं। हमने यहाँ पूरे में इसी तरह से बना लिया। अब हम यहाँ आ गए, हमने एक चेन इस जगह बना ली है। इस जगह पे हमें यहाँ जहाँ हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था इसी होल में हमें एक क्लस्टर ऐसे तैयार करना है, यानी सिंगल क्रोशेट के ऊपर ही से हमें ऐसे ये क्लस्टर तैयार कर लेना है, ये ठीक। फिर तीन चेन बनाएंगे, ये तीन चेन हो गई। तीन चेन बना के फिर बैक में जाके हमें वही जैसे एक पाइकॉट बना रहे हैं वैसे बना लिया। फिर एक चेन बनाई और फिर नेक्स्ट इसमें चले गए ये यहाँ। एक दो तीन चेन बैक गए, पाइकॉट तैयार किया इस तरह से, आप ये दिखाते हैं हम। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन रहा है लगातार, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा पेटल्स टाइप में बन जाएगा और यहाँ पर जहाँ हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था वहाँ हमने एक क्लस्टर बना लिया। पूरी रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये रो भी लगभग कंप्लीट हो गई है। हम लास्ट में यहाँ पे हैं, ये देखिए हमने एक चेन बना ली है अपनी। फिर हम ये जो ये वी आकार है टू क्लस्टर्स का, इसके बीच में ऐसे एक बार क्लस्टर बनाएंगे, ये हो गया। फिर क्लस्टर बनने के बाद तीन चेन बनाएंगे, बैक में जाकर इसमें एक ऐसे है पूरा बैक में गए, यहाँ जाके एक पाइकॉट बनाया, ये हो गया पाइकॉट। एक चेन बनाई और फिर जहाँ हमारी शुरुआत है यहाँ से हमने शुरू किया था उस जगह पे जाके ऐसे जोड़ दिया, ये एक चेन बना ली। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हम इसको काट देंगे धागे को अपने। इस तरह से, और इस धागे को भी थोड़ा सा वीप कर देंगे जिससे कि ये फर्दर ना दिखाई दे। इसे हमने इधर फंसा लेंगे यहाँ इसमें से लेकर, ऐसे यू ये ऐसे हमारा इस तरह से ये थालपोश क्रोशेट का तैयार हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जान सकें। थैंक यू।